टर्म टू के एग्ज़ाम के लिए हम आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें क्लास 11 के जो जो क्वेश्चन टर्म टू में दिए गए हैं वो आपको देते जा रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम कुछ अलग-अलग वीडियो में डालेंगे, ताकि जिन टॉपिक के अंदर थोड़ा सा और थ्योरी संबंधित बात आपको जाननी है, उस क्वेश्चन को हम वीडियो में अलग निकाल कर उसका सेपरेट वीडियो हम आपको देते जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया जो आप बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड का लुविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो आप गौर करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कार्बन 1, 2, 3, 4, ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा, नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वो बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान करेगा, कार्बन को अपने खाली ऑर्बिटल का उपयोग करना है, और इस आधार पर इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। ये एक एरो डाल दीजिए, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड में एक होता जो एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, एक वो दे रहा, दो एलिमेंट अलग अलग देगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होगा जो एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम अपने वैकेंट ऑर्बिटल का उपयोग करेगा। ये हो गया सुविस इसके लुविस डॉट स्ट्रक्चर। सेकेंड क्वेश्चन ये आया, जो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज का क्या संकेत होगा? अगर ऊष्मा के दृष्टिकोण से हम रिएक्शन को देखें तो दो प्रकार का होता, एक का नाम होगा एक्सोथर्मिक और एक का नाम होगा इंडोथर्मिक। बचपन में आप पढ़े होंगे इसका हिंदी में नाम होता ऊष्माक्षेपी, और इसका नाम हो गया ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी उस प्रतिक्रिया को कहते हैं जिसमें हीट रिलीज होता, बर्तन गर्म हो जाती, और इंडोथर्मिक उसको कहते हैं जिसमें बर्तन ठंडा हो जाता, हीट एब्जॉर्ब हो जाता। तो जब अगर हीट रिलीज होगा तो गौर करिए, ऊष्मा मुक्त होगी तो वो ऊष्मा बाहर की तरफ देगा, उस सिस्टम के अंदर, उस बर्तन के अंदर ऊष्मा की मात्रा कम होगी, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज का मान नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, और इंडोथर्मिक में इसका मान धनात्मक होगा। आपसे ये मांगा जा रहा, ये हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए, ये बात याद रखना है, जिस किसी भी प्रतिक्रिया में हीट बाहर निकलेगी उस बर्तन के हीट में कमी आ जाएगी। जैसे गर्म चाय का बर्तन आपने रखा, प्लेट आपने रखा, कप प्लेट आपने यूज़ किया गर्म चाय का, उसको रख दिया एक जगह पर, काफ़ी लंबे समय छोड़ दीजिए, वो अपनी ऊष्मा अपनी गर्मी वातावरण को देगा, मतलब उस बर्तन की ऊष्मा कम हो गई जिसमें चाय रखी हुई थी। मतलब अगर ऊष्मा कम हो गई निगेटिव, तो उसका संकेत हम लोग देंगे निगेटिव। अगला एक पॉइंट बना, ग्रुप क्लास 11 के बच्चों को दो ग्रुप पढ़ना है। पी ब्लॉक में एक हो गया ग्रुप नंबर 13 और एक हो गया ग्रुप नंबर 14। ये दो ग्रुप पढ़ना है। 13 के एलिमेंट याद कीजिए, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 14 के एलिमेंट कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन और लेड। एलिमेंट का नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है उस सेट के इर्द गिर्द भी क्वेश्चन को बताते जा रहे हैं।
इसमें किसी भी वन एलिमेंट को आप ले ले तो इसका कन्फिग्रेशन होगा हीलियम 2s2 2p1। यहाँ अगर आप कार्बन का ले लें तो ये हो गया हीलियम 2s2 2p2। तो यहाँ अगर आप इसका जनरल कन्फिग्रेशन 13 नंबर ग्रुप का देखेंगे तो आप यहाँ पर लिख लें नोबल गैस, और नोबल गैस के बाद आप यहाँ पर लिखें NS2NP1। यहाँ पर N क्या हो गया, लास्ट ऑर्बिट हो गया, पहले आप जान चुके, और यहाँ लिखना पड़ा तो फिर से आप लिख दीजिएगा नोबल गैस और यहाँ डाल दीजिएगा लास्ट ऑर्बिट के लिए NS2 और NP2। 13 के लिए ये आंसर हुआ और 14 के लिए ये आंसर हुआ। तो एक ही क्वेश्चन में आप दोनों तैयार कर लें तो दोनों प्रकार के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये आ रहा जो 0.1 mHcl के लिए pH का मान निकालें। गौर करिएगा HCl की मोलरिटी, HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 m। आप आराम से लिख सकते हैं 10^-1 m। HCl को अगर वाटर में आप डालते हैं तो याद कीजिए वो H+ आयन देगा, साथ में वो Cl- आयन देगा, AQ आयन देगा। अब यहाँ पर इसका गुणक कोफिशियंट 1 है, यहाँ भी कोफिशियंट 1 है, मतलब जितना HCl की सांद्रता होगी कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही H+ का भी होगा, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 10^-1 m। आप pH का फॉर्मूला जानते होंगे, pH इज इक्वल टू -log(2)-10 H+। ये वैल्यू आप डाल दीजिए, pH इज इक्वल टू -log(2)-10 H+ का वैल्यू जो होगा वो डाल दीजिए 10^-1। सब लोग जानते होंगे log(a)-b इज इक्वल टू b log(a), जो पावर में होता उसको आगे डाल देते, ये -1 है आगे दे दीजिए, तो -1। फिर आगे में याद कीजिए दिया गया -(-1) और यहाँ हो गया log(10)-10, ये वैल्यू 1 और log(10) का वैल्यू याद होगा 1, तो pH का वैल्यू कितना हो गया इज इक्वल टू 1। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, फिर कहता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा आप बताइए ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। वेरी सिंपल, ऑक्सीडेशन हम लोग उस प्रक्रिया को कहते, उस प्रोसेस को कहते जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जिस किसी भी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लॉस होता है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। फिर याद कीजिए, चूंकि ये क्वेश्चन तो आपके हो चुके लेकिन इसको और बेहतर तरीके से और रिवाइज कर लीजिए। रिडक्शन हम लोग उसको कहेंगे जिस प्रक्रिया में आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाता, उसे हम लोग नाम देंगे रिडक्शन। फिर एक टर्म और याद रखिएगा, रिडॉक्स हम लोग उसको कहते, दो भाग में बांट दीजिए, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब जिस किसी भी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम लोग नाम देंगे ऑक्सीकरण, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसे नाम देंगे अवकरण, और जिस किसी भी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों होता है उसे हम लोग नाम देंगे रिडॉक्स प्रतिक्रिया। नेक्स्ट आइए, इस कंपाउंड का यूपेक नेम मांगा जा रहा, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड को लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 सबसे लंबा कार्बन चेन आपको ये मिला। काउंटिंग आप ले लें, यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिएगा,
याद कीजिए, 5 कार्बन के लिए वाटर रूट पेंट आया, 1 और 2 में मिनिमम पोजीशन 1 है इस पूरे का, डबल बॉन्ड का 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे इन, 3 नंबर पर मिथाइल आया तो इस पूरे का नाम क्या हुआ, 3-methyl-pent-1-in। उम्मीद है नाम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर याद होगा क्लास में एक पढ़ाए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ब्यूटुइन का मतलब 1, 2, 3, 4, 2-in का मतलब ये रहा, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन बैठा कर वैलेंसी पूरी कर दीजिए। अब ये ब्यूटुइन जो है वो 2 प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाता, जिसमें आप डबल बॉन्ड के आधार पर इसको फोकस कर दीजिए, घुमा दीजिए, टर्न कर दीजिए। ये रहा डबल बॉन्ड, एक तरफ आ गया CH3, एक तरफ आ गया H, फिर आ गया H और फिर आ गया CH3। तो डबल बॉन्ड को अगर आप सेंटर मान लें तो दोनों के दोनों ग्रुप एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये कहलाएगा सिस। इसको नाम देंगे सिस ब्यूटुइन। अगर ये इस तरह से घुमा हुआ, उल्टा अगर घुमा हुआ होता अगर ये उल्टी डायरेक्शन में होता तो याद कीजिए इसका नाम हो गया ट्रांस। इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे ट्रांस ब्यूटुइन, और ये फॉर्म हमारा कहलाएगा सिस ब्यूटुइन, जिसमें स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से देना है। इसी का आगे नाम आपको क्लास में पढ़ा चुके, ई और जेड नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ा चुके। फिर आप यहीं पर आइए, एक थ्योरी है जो आर्हेनियस के आधार पर एसिड और बेस किसे कहते हैं, कई बार सब बच्चे जान चुके। वह पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, अगर उसको एक्वस मीडियम में डालिए, जल में डालिए, अगर उससे H+ आयन निकलता है तो उस पदार्थ को हम क्या नाम देंगे, एसिड। जैसे आपने HCl लिया, उसको वाटर में डाला, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक ही डायरेक्शन में अपना दे दीजिए। अब यहाँ पर ये बना H+, चारों ओर जल के अणु, Cl- जल के अणु। तो जिस किसी भी पदार्थ से H+ आयन निकलता है उस पदार्थ को हम लोग आर्हेनियस के डिफिनेशन के आधार पर एसिड कहते हैं। एक और जानकारी एक्स्ट्रा ले लीजिए, किसी एसिड से जितना H+ आयन निकलता उसी को नाम देंगे बेसिसिटी, हिंदी में नाम होगा भस्मीयता। इसी की एक और परिभाषा आप समझ लें, वेरी वेरी इजी। अगर किसी भी सब्सटेंस को आपने वाटर में डाला और उस पदार्थ से अगर आपको OH- निकल रहा, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, बेस। जैसे मान लेते हैं आपने NaOH ले लिया, वाटर में आपने डाला, उससे बाहर निकला Na+ जलीय माध्यम में, साथ में निकला हाइड्रोक्साइड आयन, तो इस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा बेस। एसिड और बेस का ये डिफिनेशन याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें इन सबों का मांगा जा रहा, बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। O का निकालना है X, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन का +1 × 2 + 2 = 0, तो 2x = -2, x = -2/2 = -1। फिर इसमें S का निकालना है, X संख्या 2 है, 2x -2 × 7 +1 × 2 ऐड करने के बाद तो 2x - 12 = 0,
2x is equal to 12, x is equal to 12 by 2 is equal to plus 6. फिर यहां निकालना है हमें इनका, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 7. उम्मीद है आप आराम से निकाल पाएंगे, वेरी वेरी सिंपल. इसमें कह रहा जो आप ये बताइए, जो कैसे प्रूफ करिएगा जो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है. तो एरोमेटिक फैमिली हो गया आपका बेंजीन और उसके मेंबर्स. तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कुछ शर्तें हैं. सबसे पहला शर्त ये है, जो वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मतलब वो बंद संरचना में होना चाहिए. सेकंड हो गया, जो वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब वो एक तल में हो. अगर हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज हो तो याद होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आकार होता ट्राइगोनल प्लेनर. उसके बाद कहा गया उसमें डीलोकलाइज्ड, मतलब फैला हुआ. आप उसके पास ले सकते जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होनी चाहिए. और याद होगा इसी नियम को हम लोग नाम देते हकल रूल. तो कई बार ये पूछा जाएगा, आप कैसे सिद्ध करेंगे जो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है. तो आप बोलेंगे जो भी कंपाउंड साइक्लिक होगा, मतलब बंद संरचना होगी. जो भी कंपाउंड एक तलीय होगा, एक प्लेन में होगा, 2D होगा. और जिसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और वो पूरे पर फैला हुआ होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, ऐसे कंपाउंड को नाम देंगे एरोमेटिक. तो इसको और इजी कर लीजिए. यहां पर n इज इक्वल टू नंबर है 0, 1, 2, 3 डैश 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 करते चलिए. कई बार ये पूछा जाता हकल के नियम से आप क्या समझते हैं. तो इसको ऐसे लीजिएगा, किसी भी कंपाउंड में अगर वो साइक्लिक है और अगर वो प्लेनर है और उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा. इसके इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में फैले हुए होते, डीलोकलाइज्ड होते, बटे हुए होते. सबसे ज्वलंत उदाहरण, सबसे इजी एग्जांपल बेंजीन. सब लोगों को बेंजीन की संरचना याद होगी. बेंजीन में याद कीजिए C6H6 डबल बॉन्ड में, याद होगा कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, फिर ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, और वन बॉन्ड में याद होगा दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन. तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन. पाई बॉन्ड की संख्या 3 होगी, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6. अब इस हकल रूल में n इज इक्वल टू 1 लगा दीजिए. अपने मन से नंबर लगाना है, 0 वाला भी एग्जांपल आता, अभी 1 लगा लीजिए. तो 1 लगाइएगा तो 4 × 1 = 4 + 2 = 6. तो जिस किसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन पूरे बेंजीन पर फैला रहता, वो हकल रूल का पालन करेगा. बेंजीन साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल का पालन करता, इसलिए बेंजीन क्या होगा, एरोमेटिक होगा. क्वेश्चन फिर से एक बार, आप कैसे सिद्ध करेंगे जो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, वो कंपाउंड साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जो पूरे रिंग पर जितने कार्बन है उस पर फैल गए हो, और वो हकल उसी का पार्ट हो गया, वो हकल रूल का पालन करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहते हैं. नेक्स्ट आइए, अब यहां से पूछा गया जो ये बताइए हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझते हैं. गौर से सुनिएगा. सबसे फर्स्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में नाम प्रसंस्करण. ये एक काल्पनिक विधि है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है. ये एक विधि है. इस विधि में किसी भी एटम को हम लेते,
याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता वन एटम का होता, उस एटम के क्लोज इनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिलाया जाता, क्लोज इनर्जी वाले ऑर्बिटल को मिलाया जाता है मिक्स्ड। मिक्स करने के बाद जितनी संख्या में क्लोज इनर्जी, कहने का मतलब याद होगा एसके वन ऑर्बिटल, पी के थ्री ऑर्बिटल, डी के फाइव ऑर्बिटल, इनको क्रम में मिलाना। जैसे एस का आपको पी से मिला दिया, वन एस को टू पी से मिला दिया, वन एस को थ्री पी से, तो ऐसा नहीं जो पी को डी से मिला दिया, एस को डी से मिला दिया, वो नहीं। क्लोज इनर्जी ऑर्बिटल को मिक्स करना है। जितनी संख्या में ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे उतनी संख्या में न्यू ऑर्बिटल्स बनेगा, नए ऑर्बिटल्स की इनर्जी जो होगी वो इक्विवेलेंट होगी, सब क्लोज होगी। और इसके बाद जो नए ऑर्बिटल्स होंगे सब में इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपनी अपनी निश्चित दिशा में रहेगा। तो इस काल्पनिक विधि को नाम देते हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी पूछा प्रसंस्करण हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझते हैं, हम जवाब देंगे वह विधि जिसमें किसी भी एटम के क्लोज इनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता, मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल बनते जिनका आकार अलग होता और जिनकी ऊर्जाएं आपस में करीब होती, वो डिफिनिट डायरेक्शंस में रहते और इसके कारण मॉलिक्यूल का आयन का एक अपना आकार बनता है। तो इतनी बातें नहीं करनी, एकदम सिंपल, किसी भी एटम के क्लोज इनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिलाकर जब हम नया ऑर्बिटल प्राप्त करते जिसमें नए ऑर्बिटल का आकार और उसकी ऊर्जा समान होती, उसी को नाम देते हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण। अब हाइब्रिडाइजेशन का पूरा लंबा क्लास आपको आइडिया लग चुका होगा। अब आपसे पूछा जा रहा, ये बताइए ईथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? तो गौर करिए, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जब भी निकालते हैं वन एटम का निकालते हैं। तो कोई भी इन दोनों में से कोई वन एटम ले लीजिए, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये टोटल कितना बॉन्ड बना रहा, इसके सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या हो गई फोर। फोर पूरा करने के लिए आप ऑर्बिटल लेंगे, वन टू थ्री फोर, आपने चार ऑर्बिटल को लिया तब ये नंबर फोर मिला। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी वन पी टू पी थ्री, नाम हो गया एस पी थ्री। तो एस पी थ्री वो प्रोसेस है जिसमें एस के वन ऑर्बिटल पी के थ्री ऑर्बिटल को मिलाते, मिलाने के बाद फोर नया ऑर्बिटल बनता और ये सारे ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट। नेक्स्ट आइए, आपसे ये पूछा गया, जो आप ये बताइए जो इन कंपाउंड को आप बेंजीन में कैसे बदलेंगे। वेरी सिंपल एग्जांपल, आपसे कहा गया इथाइन का फॉर्मूला होता C2H2, तो जब आप इथाइन को लेते हैं, हमने यहां लिया ट्रिपल बॉन्ड, फिर सेकंड मॉलिक्यूल को, इसको याद रखिएगा, इसका लैंग्वेज कहा जाता, जब आप इथाइन के थ्री मॉलिक्यूल्स को, थ्री मॉलिक्यूल तो बैलेंस करने के लिए लिखते, थ्री मॉलिक्यूल पकड़ कर रिएक्शन नहीं करते, थ्री मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए लेते, जो जब हम इथाइन अर्थात एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे तो इसके थ्री मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बेंजीन का निर्माण करते हैं, ये इनके प्रोसेस हो गए। तो ये इथाइन का वन मॉलिक्यूल, ये इथाइन का दूसरा मॉलिक्यूल और ये इथाइन का थर्ड मॉलिक्यूल। जैसे ही आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालेंगे, लाल तप्त कॉपर के ट्यूब में आप जैसे ही डालेंगे तो आप ये देखेंगे इसके पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है यहां भी अंदर का पाई बॉन्ड ये टूटा, फिर ये भी पाई बॉन्ड टूटा, ये दोनों किनारा मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर ये भी टूटा और
और ये पूरी तरह जुड़कर बेंजीन का निर्माण करता है। अगर समझने में दिक्कत हो तो कृपया डायरेक्ट यहीं से बैलेंस करके इसको पूरा कर ले। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड पार्ट आया जो आप बताइए नॉर्मल हेक्सेन से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे। दिस इज द थ्योरी। जो नॉर्मल हेक्सेन से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, गौर करिए। ये हो गया फिनॉल C6H5OH। उस पर जैसे ही आप जिंक डालकर गर्म करेंगे तो जिंक इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया जिंक ऑक्साइड। हाइड्रोजन यहां जुड़ गया और प्रोडक्ट का नाम हो गया बेंजीन। तो जैसे ही फिनॉल पर आपने जिंक डाल के गर्म किया, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपका, जैसे ही जिंक डालकर आपने हिट किया, जिंक ऑक्साइड बन गया हाइड्रोजन, इससे जुड़कर बेंजीन का निर्माण कर दिया। ये बन गया बेंजीन, साथ में बन गया जिंक ऑक्साइड। नॉर्मल हेक्सेन आप लीजिए, इस रिएक्शन को हम लोग एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला आप ले, जैसे ही आप इसको क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस आप हीट करेंगे, 500 से 600 आप हीट करेंगे, 10 एटमॉस्फेयर से 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डालेंगे, तो इसके सारे दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकलकर ये जुड़ जाता और बेंजीन का निर्माण करता है। एज इट इज इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको अलग से बेंजीन टॉपिक में और भी, इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। अगर हम 7 कार्बन का लेंगे तो 6 का रिंग बनेगा, 1 मिथाइल ऊपर ब्रांच में चला जाएगा जिसका नाम होगा टॉलविन। तो ये एक रिएक्शन याद रखना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा, जो बताइए VSEPR थ्योरी के आधार पर इन मॉलिक्यूल्स का शेप बताइए, आकार बताइए। बहुत आसान है, याद कीजिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 4, कॉन्फ़िगरेशन 2-2, बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1-2। ये जुड़ रहा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर यहाँ हो गया क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन। अब इससे बेरिलियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर बना, याद कीजिए ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, sp का आकार क्या होता है, लीनियर, आकृति लीनियर, एक रेखीय, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। उम्मीद है ये चीज़ आता होगा रिवीजन। फिर नेक्स्ट आ जाइए अगले टुकड़े पर। इसमें बहुत सारे कंपाउंड के लिए दिया गया, बोरन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 5, कॉन्फ़िगरेशन 2-3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरन का 3। वो यहाँ भी क्लोरीन से जुड़ रहा, यहाँ भी जुड़ रहा, यहाँ भी जुड़ रहा। याद कीजिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 हुआ। याद कीजिए 3 आप कैसे बनाएंगे, sk1 ऑर्बिटल और pk2 ऑर्बिटल को लेंगे तो 1, 2, 3, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। sp2 का आकार होता ट्राइगोनल प्लैनर। सिलिकन एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और ये 4 जुड़ रहा 4 क्लोरीन के साथ, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3 और क्लोरीन 4। याद कीजिए सिग्मा 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 सिग्मा। इसमें सिलिकन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक भी लोन पेयर नहीं है तो आकार याद होगा टेट्राहेड्रल, एक भी लोन पेयर नहीं है, आकार हो गया टेट्राहेड्रल। फिर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स, तो याद कीजिए ये जुड़ रहा सिक्स फ्लोरीन के साथ। याद कीजिए ये टॉपिक आपका कंप्लीटेड है, यहाँ पे दे दिए और याद होगा सिग्मा 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 सिग्मा, ये बॉन्ड थोड़ा हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, इसको हटाने दीजिए पहले। ये हुआ एस एफ 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 और एफ, ये जो आकृति दे रहे हैं ये ऐसे आकार बनाने के लिए दे रहे हैं, ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1 2 3 4 5 6, सिक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी थ्री डी टू, और इसका आकार जो होगा आकृति जो होगी याद कीजिए ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। फिर यहाँ सल्फर एटॉमिक नंबर 16 कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 5 6, इससे एच से जुड़ा एच से जुड़ा, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर लोन पेयर, टोटल 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, लेकिन लोन पेयर के कारण इसकी आकृति बदल जाएगी। इन लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को हटा दें तो इनका आकार होगा आप एंगुलर बोल दीजिए या वी शेप बोल दीजिए कंप्लीटेड, तो ये आकार याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को पूरा डिटेल समझ सकते, उनका क्या आकार क्या बॉन्ड एंगल VSEPR पूरा थ्योरी आपको एक साथ मिल जाएगा। उसी आधार पर आपके पास बोला गया जो बताइए H2O का लुविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, वेरी सिंपल, जो H2S का बनाए वही। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, हाइड्रोजन का ये रहा इसका डुप्लेट पूरा इसका ऑक्टेट पूरा, ये हो गए इनके लुविस डॉट स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट आइए व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ पे याद रखिएगा जिस चीज़ का हम अध्ययन करते ऑब्जर्वेशन करते उसको हम लोग नाम देते सिस्टम। किसी बर्तन में हम कोई रिएक्शन कर रहे तो उस बर्तन को हम बोलेंगे सिस्टम। अब जैसे समाज की कोई प्रथा हमको पसंद नहीं है तो हम बोल देते हमारे यहाँ सिस्टम ही खराब है, तो सिस्टम का मतलब हो गया जिस चीज़ का आप अध्ययन करते ऑब्जर्वेशन करते उसको देखते हैं उसके बारे में जानते उसको सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम में एक नाम हो गया ओपन सिस्टम, एक नाम हो गया क्लोज सिस्टम और एक नाम हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब जैसे मान लेते हैं आपने एक बर्तन लिया जिस बर्तन का मुंह पूरा खुला हुआ है, जब आप उसे गर्म करेंगे या कहीं भी रखेंगे तो इससे ऊर्जा बाहर भी जा सकती है और पदार्थ भी उड़कर बाहर जा सकता है, मतलब जिससे मैटर और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता उसे नाम देते ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम हो गया जिसमें हीट का आदान प्रदान तो होगा लेकिन उसमें कोई भी मैटर एक बूंद भी मैटर एक मॉलिक्यूल भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि बर्तन सील पैक है। और याद कीजिए हमारा आपका थर्मस जिससे ना तो हीट बाहर निकले और ना कोई पदार्थ बाहर जाए, कोई भी एकदम पूरा आइसोलेटेड वर्ड का मतलब हो गया अलग थलग पड़ना किसी से नहीं मिलना। तो यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया वो सिस्टम जिससे ना तो ऊर्जा आर पार जाती है ना जिससे कोई मैटर कोई पदार्थ अंदर का बाहर जाता, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट आइए आपसे कहा गया बताइए पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वेरी सिंपल, पी ब्लॉक आप नोबल गैस यहाँ डाल दीजिए और पी ब्लॉक में याद होगा NH2 होता था और NP1 से लेकर 6, क्योंकि पी ब्लॉक में याद होगा 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप होते थे, 13 का कॉन्फ़िगरेशन होता था NH2NP1, यहाँ हो गया NH2NP6,
इनको इकट्ठा करिएगा तो ये हो गया NS2, NP1 से लेकर 6। नेक्स्ट आई, अब यहां से पूछा गया जो बताइए इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट का क्या योगदान होता। इक्विलिब्रियम स्टेट हम लोग उस स्टेट को कहते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब जिस रफ्तार से रिएक्शन लेफ्ट से राइट जा रहा अगर उसी रफ्तार से वापस आ रहा तो इसको नाम देंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इस पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने में लगा गया समय को बदल सकता है, लेकिन उस पॉइंट को जहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल होता उस पॉइंट को वो प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न हो गया व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक क्या है। तो याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग उस पदार्थ को कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता, खुद अपने आप का रिडक्शन करता है, रिड्यूसेज इटसेल्फ, अपने आप का वो खुद अवकरण करता है, खुद अपने आप को घटा देता, दूसरे को बढ़ा देता, अपने आप को पीछे कर लेता, अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा देता, दूसरे को बढ़ा देता, ऐसे पदार्थ को हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक याद रखिएगा, एजेंट लगने पर डेफिनेशन उल्टा होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप किसकी परिभाषा बोल देंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या बोलिएगा, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता नंबर वन, या बोल दीजिए जिसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती, ऐसे पदार्थ को हम क्या नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट पीछे पूछे तो इसी डिफिनेशन को आप उल्टा कर लेंगे। उसके बाद आया बताइए इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या होगा। तो लंबा चेन आपका ये बना, आपकी मर्जी, आप इधर भी जा सकते, काउंटिंग इधर से करिएगा क्योंकि इधर से 1, 2, 3 नंबर पर है, इधर से आपको छोटा पड़ेगा। 6 कार्बन के लिए वर्ड बना हेक्सेन, याद कीजिए 2 पर मिथाइल और 4 पर मिथाइल, नाम हो गया 2,4 डाइमिथाइल, पूरे का नाम हो गया 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट आइए, इसमें पूछा गया जो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो सब लोग जानते हैं पीएच स्केल का आइडिया होगा, पीएच की शुरुआत होती 0 से, याद कीजिए फिनिश होता 14, मध्य बिंदु होता पीएच इज इक्वल टू 7, 0 से 7 होने पर क्या होगा एसिडिक, 7 से ऊपर 14 तक जाने में क्या होगा बेसिक, और एग्जैक्टली 7 होने पर क्या होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल विलयन के पीएच का मान कितना होगा 7। पीएच का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी अम्लीय शक्ति उतनी कम होती जाएगी, जितना घटेगा उतना ज़्यादा एसिडिक, पीएच जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेसिक। अब इसमें पूछा जा रहा है बताइए इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सब लोग इथीन का स्ट्रक्चर तो जानते हैं, ये हो गया इथीन, इसमें याद कीजिए ये सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा, इसमें टोटल निकालना है, एक का नहीं निकालना है, टोटल सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5 सिग्मा, और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1 पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ निकालना है दिस इज इथाइन एसिटिलीन, सब लोगों को याद होगा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया और पाई बॉन्ड कितना हो गया 2 पाई बॉन्ड हो गया। तो उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, ये हम टर्म 2 का एक फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आप इन टर्म्स को एक बार देख लें, फिर नए वीडियो में इसके नए टॉपिक के बारे में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।